थे और कौन सा रैंक आया आपका और कहाँ से है? सारी कैमरे थोड़ा थोड़ा। मेरा नाम कामिक है और मैंने जेई मेंस फर्स्ट फेज में मैंने 99.9985% स्कोर किया है और मैं ट्राइस्टेट का बोली हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। अच्छा, कैसा रहा, हाउ वाज योर प्रैक्टिस, किस तरह से करना हुआ? आकाश ने इसमें मेरी काफ़ी हेल्प की है, जेई मेंस में काफ़ी अच्छे यहाँ पे टीचिंग स्टाफ है जिन्होंने मेरी टू इयर्स के दौरान काफ़ी हेल्प की है। उससे पहले भी 9th 10th में मैं आकाश बायजूस में पढ़ाऊँ तब भी उन्होंने काफ़ी मेरा अच्छा बेस बिल्ड किया। क्या स्केड्यूल रहता था आपका स्टडीज पे? स्टडीज में ये स्केड्यूल रहता था, मतलब सुबह तो मेरी क्लासेस होती थी, उसके बाद फिर घर जाके मैं सेल्फ स्टडी। एक सेकेंड सर, प्लीज़ बंद कर लीजिए जी। सबसे पहले सुबह मेरी क्लासेस होती थी, फिर दोपहर में थोड़ा लंच करके ब्रेक लेकर मैं पढ़ना शुरू करता था और फिर तीनों को मैं टाइम डूर। तो ये एग्ज़ाम क्रैक करने में क्या क्या चैलेंजेस आपको नज़र आए? एग्ज़ाम के लिए सिलेबस भी काफ़ी वास्ट होता है, 11th 12th का दोनों का सिलेबस आता है तो उनको मैनेज करना काफ़ी टफ रहता है, तो उसमें सभी टीचर्स ने मेरी काफ़ी हेल्प करी और उनका यही था कि आपको मतलब जो भी टॉपिक वीक लगे आप उस पर मुझे गाइडेंस दीजिए और फिर जो भी वीकनेस है उसको फिर आप दूर कीजिए और एग्जाम। सो बायजूस इज एन ऐप राइट? तो आपके थ्रू कर रहे थे या फिर आप फिजिकली क्लासेस ले रहे थे? फिजिकली। अच्छा, तो जो ऐप के थ्रू करते हैं और सपोज आपके इफ़ देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन बिटवीन तो क्या कहते हैं ये दोबारा कनेक्ट करके आपसे उसका सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम भी? यस मैम, जैसे 11th के स्टार्टिंग में तो मेरी क्लासेस ऑनलाइन ही लगती थी तो कभी कभी नेट प्रॉब्लम होता था तो क्लासेस रिकॉर्ड हो जाती थी कभी तो, और अगर नहीं भी होती थी तब भी टीचर से मैं कॉल करके फिर बात कर लेता था। रूटीन में पढ़े कितना समय आप पढ़ाई में देते थे और कितना एंटरटेनमेंट के लिए देते? एंटरटेनमेंट के लिए तो ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं निकालता था, पर निकालता ज़रूर था कि कुछ ना कुछ मतलब और फिजिकल एक्टिविटी भी हो जिससे मतलब मूड रिफ्रेश मतलब होना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है, वरना कंटिन्यूसली स्टडी कर करके